बांदा की जीवनदायिनी की नदी में भव्य आरती का आयोजन शुरू हो गया। जिला प्रशासन की पहल पर हर मंगलवार को यहां पर आरती होगी। आरती करने का उद्देश्य लोगों को जल संचय करने और नदी तालाब कुआं को संरक्षित कर जल संरक्षण के लिए जागरूक करना है। बांदा के जिलाधिकारी द्वारा संपन्न कराई गई इस भव्य आरती में स्थानीय लोग और छात्र छात्राएं भी शामिल हुए और देवदान किया। बुंदेलखंड में पेयजल की भारी समस्या रहती है। लगातार सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड में अब लोगों को पानी के संकट से उबारने के लिए जागरूक करने का कार्य शुरू कर दिया। बुंदेलखंड के बांदा की जीवनदायिनी केन नदी में आज से जिला प्रशासन के प्रयास से हर मंगलवार को आरती करने का प्रयास शुरू कर दिया गया। आज जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों और छात्र छात्राओं की मौजूदगी में केन नदी में आरती की शुरुआत की। स्थानीय लोगों ने भी दीपदान करके नदी को संरक्षित करने का संकल्प लिया। जिलाधिकारी की माने तो बुंदेलखंड में बारिश पर्याप्त मात्रा में होती है। कुआं तालाब नदियां भी काफी मात्रा में हैं, लेकिन यहां के लोग जल संचय नहीं करते, जिसको लेकर के यहां पेयजल के संकट उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए यहाँ एक प्रयास है कि लोग जल का महत्व समझें, नदी तालाबों में जल संरक्षित करें, उनकी महत्ता को समझते हुए उनका संरक्षण भी करें। बांदा से संवाददाता उमेश यादव की स्पेशल रिपोर्ट। बांदा में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि यहाँ वाटर कंजर्वेशन कैसे हो। बांदा में कोई पानी कम नहीं बरसता है, जो पानी बरसता है उसको हम स्टोर नहीं करते हैं, कंजर्व नहीं करते हैं। ये यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। इसी के कंजर्वेशन के लिए कि पानी जो बरसात में हमें मिलता है उसको हम धरती में स्टोर कर लें या कंजर्व कर लें, जिससे पानी की समस्या दूर हो। इसी के मद्देनज़र हम लोग कई तरह के प्रोग्राम चलाए, कई चीज़ को चलाए, कुआँ तालाब जिया अभियान चलाए, हम लोगों ने खलतिया खोद के वाटर कंजर्वेशन का काम किया। यहाँ हमारे जनपद में तीन नदियाँ रहती हैं मुख्य रूप से, तीन नदी है, यमुना है और एक बागे है। अभी तक हम लोग नदी के बारे में कोई जागरूकता का काम नहीं किए। जैसे ऐसी केन नदी के बारे में जो हम लोगों ने आरती का प्रोग्राम बनाया, तो ये पता चला कि इसी केन नदी से हम लोग पानी उठाते हैं, इसको प्योरीफाई करते हैं, पूरे बांदा को हम इसी केन नदी से पानी पिलाते हैं, इसे लोग पानी पीते हैं, नहाते हैं। दूसरा, हमारा पूरा खेतों की सिंचाई, जो अनाज हम पैदा करते हैं खेतों की सिंचाई केन नहर से करते हैं, उस केन नहर में पानी केन नदी का आता है। लेकिन आम जनता को ये नहीं पता, आम जनता ये समझती है एक नहर है बांदा से गुजरती है, दैट्स ओके। उन्हें ये नहीं पता कि ये केन नदी उनके जीवन में कैसे उपयोगी है, उनके जीवन के लिए ये केन नदी कैसे जीवनदायिनी है।